सतगुरुदेव पधारे हरि श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को निरंजन फिर से प्रणाम करते हैं और सबके हृदय में बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत जन्मों के बाद सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा जगती है। मनुष्य तो पृथ्वी पर बहुत हैं पर उन्हें मनुष्य नहीं कहा गया है। आकृति से मनुष्य होना मनुष्यता नहीं है, प्रकृति से मनुष्य होना ही वास्तविकता है। तो कम लोग होते हैं प्रकृति से मनुष्य, आकृति से तो असंख्य हैं, जिसे सरकार को भी कंट्रोल करना पड़ता बर्थ कंट्रोल, जबकि शास्त्र कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन मिलना यह देव दुर्लभ कहाता है। जिन देवी देवताओं की आप हम पूजा करते हैं वे देवी देवता परमात्मा से इस मनुष्य जीवन की इच्छा करते हैं। हम पूजा क्यों करते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए, अनित्य धन संपत्ति पुत्र आदि के लिए, अनित्य जो कि आज हैं कल उनका भरोसा नहीं, ऐसा पदार्थ वे देवताओं से हम मांगते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो कि राम पूजा हो कि कृष्ण पूजा हो कि गणेश पूजा हो, बस यही चाहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। हमारी डिमांड क्या है उन देवी देवताओं से? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, बस ईट ड्रिंक एंड बी लिव मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं जानते। किंतु ये देव दुर्लभ योनि आपको प्राप्त हुई है, इसका आज विशेष रूप से विचार करें क्यों प्राप्त हुई। हम कुत्ते क्यों नहीं बने, हम घोड़ा हाथी क्यों नहीं बने, मुर्गा क्यों नहीं बने, सांप क्यों नहीं बने, बंदर क्यों नहीं बने, वो भी तो योनियां हैं। क्या बात है इस मनुष्य जीवन में जो हमको ये शरीर बनाए? वे जितने भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं, अपने कर्मों का जो फल है, जो पाप रूप कर्मों का फल है वो भोगने के लिए वे पाप योनियां है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आकर ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जन्मरण के बंधन से मुक्ति ले सकता है। इसलिए कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, घर से चल के आए हैं अपने वाहनों में, फिर भी कहा उठ जाग और फिर कहा मुसाफिर। आप तो बहुत घर वाले हैं लेकिन शास्त्र आपको घर वाला नहीं मानता, आप मुसाफिर हैं। मुसाफिर वही है जो अपने घर से दूर है, घर से बाहर है। हमारा घर कहाँ है ये भी हमें पता नहीं,
और जिस घर को तुम अपना घर मानकर बैठे हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मुर्दों का घर है। जिस घर में तुम बैठे हो उस घर को तुम अपना मत जानो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो मुर्दों का गांव है, मुर्दों का घर है। यहाँ जो भी आया है सबको छोड़ के चला जाता है, जो भी आया है एक दिन इससे निकल जाता है। धर्मशाला वही जिसमें लोग सदा न रहे, आकर चले जाएं। आपके पिता, पिता के पिता, माँ की माँ कहाँ है, वो चले गए, चले गए, चले गए। तुम कितने दिन और रहोगे, तुमने कितने दिन का यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, पता नहीं रात्रि को भी श्वास निकल जाएगा। तो कहा उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर वही जो अभी घर से दूर है। आपका घर क्या होगा? ये नदियां हजारों फीट ऊपर से गिरती है और निरंतर बहती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो कि महानदी हो, निरंतर बहती 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 जाती है, दिन रात बहती है, सर्दी गर्मी वर्षा में भी बहती है, पर कहीं ठहरती नहीं। न ऋषिकेश से उसे मतलब है, न हरिद्वार से मतलब है, न उसको त्रिवेणी से मतलब है, न तुम्हारे आश्रमों से मतलब है, न तुम्हारे मंदिरों से मतलब है। हजारों हजारों दीपकों को जलाकर तुम आरती उतारते रहो, उसको कोई विचार नहीं तुम्हारे दीपकों को देखने का। चाहे पुष्पमालाएं चढ़ा दो, चाहे फल उसमें डाल दो, गंगा कभी नहीं देखती है। तुम उसके तट पर बैठकर ध्यान करो, वो कभी नहीं देखेगी। तुमने कोई मंदिर बनाया कि आश्रम बनाया मार्बल पत्थरों का, उसे फुर्सत कहाँ देखने की? क्यों? गंगा का लक्ष्य तो अपने प्रीतम से मिलने का है। जब तक उसे अपना प्रीतम नहीं मिलेगा, गंगा यमुना की महानदी की सतलज चिनाब झेलम कावेरी कोई भी एक क्षण को भी रुकने को प्रस्तुत नहीं है। रास्ते में अगर कोई पत्थर आ गया उसे भी हटा देगी, कोई वृक्ष आ गया उसे भी उखाड़ देगी, कोई गांव आ गया उसे भी चीरती हुई गांव के बीच में से निकल जाती है। नदी को, गंगा को फुर्सत नहीं। नदी जब चलते चलते सागर में मिलती है तब जाकर शांत होती है। नदी का प्रीतम सागर है, नदी उसका अंश है, वो उसका अंशी है। ठीक इसी तरह ये जीवात्मा जो यहां बैठी है, कहां से टपक कर आई है? अमृतस्य पुत्रः, उस अमृत की संतान है, जिसने कि विचार किया एको हम बहुश्याम, वहां से चले हैं। स्वर्ग में भी बहुत दिनों तक रहे हो तुम लोग, मैं सबको पहचानता हूँ, एक एक को पहचानता हूँ। सब स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में ही रहे नहीं, स्वर्ग में इंद्र का पद भी तुमने प्राप्त किया है, इंद्राणी भी तुम बने हो, किंतु तुम वहां रुके नहीं, तुम बैकुंठ में भी गए हो, वहां भी एक एक व्यक्ति को मैंने देखा है। विष्णु पद पर तुम गए हो, लक्ष्मी पद पर गए हो, किंतु कहां रुके, उतर आए, उतर आए। नदियां पहाड़ों से उतरती उतरती चली आती है, इसी मृत्यु लोक में बहती है। ये जीवात्मा भी अपना बैकुंठ से उतरता हुआ, स्वर्ग से उतरता हुआ इस मृत्यु लोक में बहता चला जा रहा है। और यहां पर भी तुमने जिसकी खोज में तुम चले हो, न विष्णु लोक में मिला है न स्वर्ग लोक में मिला है, और उसी की खोज करते करते मृत्यु लोक में आए हो। और यहां भी तुमने कोई तीर्थ धाम नहीं छोड़ा, कोई प्रकार का कर्म नहीं छोड़ा उस पाने के लिए। चारों धाम की यात्राएं की, किंतु कहां शांति मिली, कहां रुके जाकर? हरिद्वार में गए, वैष्णो देवी गए, तिरुपति गए, श्री चेसाई गए, कोई तुम्हें रोक पाया, शांति दे पाया? कहां शांति? शांति का अनुभव तो इस शिविर में अनुभव करोगे,
मुक्ति का अनुभव तो इस शिविर में करोगे, दिव्य दृष्टि का अनुभव तो इस शिविर में करोगे। ये कोई कथा का यहाँ विषय नहीं, कोई ड्रामा नाटक नहीं, ये तो ब्रह्म विद्या की पढ़ाई होगी यहाँ। ये जितने चार टंगे हैं ये चित्र प्रदर्शी नहीं है, वेद के पन्ने हैं। वेद में ब्रह्म का स्वरूप कैसे बताया है उसको एक एक चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। जब समय मिले 5 मिनट पहले आकर देखा करो, 5 मिनट बाद भी जाते समय देख कर जाओ, सबकी यहाँ पढ़ाई होगी। सुना था अभी तक परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष हो गया। आप में से भी बहुत धार्मिक लोग हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी होगी। देखूं मैं कितने लोग धार्मिक हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी, हाथ उठाकर बताना। तो भागवत कथा बहुत कम लोगों ने सुनी। और क्या सुना है? ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है एक ही काम है, अपने लक्ष्य को पाना। और उसके लिए तुम सब स्थानों पे घूमते घूमते चले आए पर कहीं तुम्हें शांति नहीं मिली, और उसी के लिए भागवत कथा सुनी। और भागवत कथा सुन के भी तुम वहीं के वहीं हो, क्या अंतर पड़ा? अगर तुमसे पूछा जाए कि 7 दिन में भागवत कथा हुई, क्या सुना? परीक्षित की मुक्ति हो गई, वो कथा तुमने सुनी है? हाथ उठाने वालों, हाँ सुनी है। और मैं तुमसे पूछूं, परीक्षित तो मुक्ति है ला, अपनकर कौन है ला कथा कहंतु? ये की अड़वा कथा पचरू छंती, मोर कौन है ला? मुँह तो जेमती थीली सेमती अच्छी, तो वहाँ काहे के लिए मरने गया था तू? अपना काम धंधा घर का छोड़कर काहे के लिए गया था? उसकी कथा सुनने के लिए, उसका रोग मिट गया ये जानने के लिए? वो कथा किस काम की हमारी, जो हमारी मुक्ति ना कराए, जो हमें शांति ना दे? वो दवा किस काम की जो हमारा रोग ना मिटाए? इस शिविर में किसी और की मुक्ति की कथा नहीं सुनेंगे, अपनी मुक्ति का अनुभव करेंगे। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, सुना था अभी तक गीता में, पढ़ा था भी गीता में, इस कथा में तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। हमें अर्जुन से क्या मतलब है उसको दिव्य दृष्टि मिले कि वो अंधा हो जाए धृतराष्ट्र की तरह? हमें वो ज्योति मिलना चाहिए तब हमारा लाभ होगा। यह दूसरों की कहानी सुनने नहीं आए हैं, दूसरों के जीवन चरित्र को पढ़ने नहीं आए हैं, अपने जीवन को सुधारना है, अपना मंगल कल्याण करना है। बड़े भाग्य से ये जीवन प्राप्त होता है। एक नहीं अनंत अनंत जन्म बीतने के बाद ये प्राप्त होता है, अनंत अनंत। इसलिए भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते। अगर संख्या होती 10-20 करोड़ तो बता दिया जाता, लेकिन वह गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म बीत गए और उसके बाद ये जीवन मिलता, बहुनाम जन्मनाम अंते। ये ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब जाकर ये जीव उस सत्य को परमात्मा को अनुभव करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो इस जीवन का उद्देश्य समझ लें कि जब तक इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जितने हम बैठे हैं यहाँ, बच्चे पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो घूसरी भी पैदा कर लेती है, कुतिया भी पैदा कर लेती है। उसके लिए मत मरो कि मेरा लड़का नहीं हुआ, कि मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। क्या तुमने पहली बार बच्चा पैदा करने का काम सीखा है? कौन ऐसी योनि है जिसमें बच्चे पैदा नहीं किए? क्या उन बच्चों पैदा करके 10-10, 20-20 तुमको कोई आत्म शांति मिली, तुम्हारे मन में तृप्ति आई? तो छोड़ो इस चक्र को, उस सत्य को पाने के लिए चेष्टा करो जिसको आज तक हमने प्राप्त नहीं किया।
उसे हमें पाने के लिए जीवन मिला है। पेड़ तो हमने हर योनि में भरा है, क्या इसी योनि में पेड़ भरने के लिए खेती नौकरी व्यापार कर रहे हो? सुबह से निकलते हो संध्या तक पेड़ भरने के लिए, बच्चे पैदा करने में लगे हो, नींद लेने में लगे हो और भयभीत हो। और ये चार काम तो पशु भी करते हैं, आहार करना, निद्रा करना, मैथुन करना और भयभीत रहना। नोट कर लें अगर विद्यार्थी नोटबुक लाए हैं तो, ये चार काम तो सभी प्राणी में दिखाई पड़ते हैं। कोई नया काम तुमने इसमें अगर किया है तो बस वो जो यहाँ पर होगा यही एक नया काम होगा, बाकी तो चार काम तुमने स्वर्ग में भी यही किया है, बैकुंठ में भी जाकर यही किया है और तीर्थों में जाकर भी यही किया है। ये जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना, इसके लिए ये श्रेष्ठ कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावन। अगर मनुष्य जीवन में आकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो शास्त्र कहता है ये आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करेगा। आत्महत्यारा, जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके और आत्मा को नहीं जाना वो आत्महत्यारा होगा। मनुष्य जीवन पाकर और जिसने किसी एक से शत्रुता रखी है, ध्यान से सुनना, अगर मनुष्य जीवन पाकर किसी एक से भी शत्रुता रखी है तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और ये दो पापों से तुम सब ग्रसित हो। प्रतिदिन ये दोनों पाप होते चले आ रहे, आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। इन दोनों पापों से मुक्ति इसी शिविर में तुमको मिलेगी, श्रद्धा से अगर बैठोगे श्रवण करोगे तो। नहीं तो तुमने आज तक जीवन के कितने वर्ष व्यतीत किए, कोई 50 साल का बैठा है, कोई 60 साल का उम्र का बैठा है, कोई 70 साल का बैठा है और कोई 80 साल का बैठा है 10 साल से लेकर, लेकिन ये दो हत्याओं से आज तक तुमने मुक्ति नहीं पाई। कितने तो तीर्थ किए, कितने ही तुमने धर्म गुरुओं को स्वीकार किया, कितने ही प्रकार के तीर्थ शास्त्र पढ़े माला की, लेकिन ये दो हत्याएं तो तुम्हारी रात दिन चल रही है, आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। इन दोनों से हमें मुक्ति लेना है और यहाँ पर प्रतिदिन तुमको दोनों हत्याओं से मुक्ति दिलाने की कला सिखाई जाएगी और यहीं बैठकर तुम उन दो हत्याओं से मुक्ति का लाभ अनुभव कर सकोगे। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक मत मात्र है, तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुसंधान, आत्म साक्षात्कार, मुँह किए हुए माई, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए जीवन मिला है। पति बनने के लिए नहीं, पत्नी बनने के लिए नहीं, पुत्र पुत्री बनने के लिए नहीं, उड़िया बंगाली मारवाड़ी बनने के लिए जीवन नहीं मिला, हिंदू मुस्लिम क्षत्रिय वैश्य बनने के लिए जीवन नहीं मिला, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी बनने के लिए जीवन नहीं मिला, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बनने के लिए जीवन नहीं मिला। ये जीवन मिला है तो केवल इसी बात के लिए कि मैं कौन हूँ। इसके बिना जाने तुमने कितने कितने अपने ऊपर उपाधियां स्वीकार कर ली है जो कि सब तुम्हारे बंधन का कारण है। अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए जीवन परमात्मा ने दिया है। और अगर इस जीवन में हमने उस सत्य को नहीं पाया तो हमारा जीवन की वैल्यू बताता हूं। इस शरीर में 2 kg नमक है, 1 kg शक्कर, इस शरीर में तुम्हारे शक्कर चीनी है, 2 माचिस की डब्बियां हैं, तुम्हारे शरीर में 2 साबुन की टिकियां हैं और तुम्हारे शरीर में 2 लोहे के कांटे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये बाजार में अगर खरीदने जाओगे तो मुश्किल से 100-150 रुपए का सामान है तुम्हारे शरीर में। करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी बाहर है, लेकिन जिस देह में तुम अभी हो अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बस इसकी क्या अवस्था है कि 2 kg नमक निकल सकता है, 1 kg चीनी निकल सकती है, 2 माचिस की डब्बियां बन जाएगी, इतना इसमें गंधक होगा, 2 साबुन की टिकिया बनेगी, इतनी चर्बी होगी और 2 लोहे की 3-3 इंच की कील कांटा बनेगा, इतना आयरन होगा, बस अब कुछ भी नहीं है बाकी तो। लेकिन ये देवताओं से श्रेष्ठ है। और अगर ये जीवन को ऐसे ही नष्ट किया तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं।
सुंदरता की महिमा अगर कहते हैं कोई आंखों की, तो मृग नैनी मृग नी से कही तुम्हारी महिमा नहीं है, मृग की महिमा है। गले की आवाज की महिमा कही है तो कोकिल कंठ कहा है, कोकिल से तुम्हें जोड़ा है। शक्ति की महिमा बताई तो हॉर्स पावर में जोड़ा है, हॉर्स पावर। मोटर खरीदते हो तो दुकान वाला पूछता कितने HP, कितने हॉर्स पावर की। चाल देखो तो मयूर की तरह चाल बताते हैं। तो मनुष्य जीवन में अगर महानता है तो केवल इसी बात के लिए कि इसमें हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन आपको कैसे मिला है, इस संबंध में अब आपको पुरानी याद ताज़ा कराता हूँ, पुरानी याद। क्योंकि जिन जिन घर को छोड़कर तुम आए हो यहाँ, उन घर का स्मरण करो कि किन किन घरों को हमने पहले पाया और फिर उसको छोड़ा है। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं। कितने लाख बोलो? उन सब में तुम गए हो जो यहां बैठे हो, जल में रहने वाले जिन्हें मछली मगर कछुआ जलहस्ती इत्यादि कहते हैं, वो सब योनियों में तुम जाकर जीवन बसेरा किया है और वहां का दुख भोगा है, पर तुम भूल गए हो। इसीलिए संत और भगवान का अवतरण होता है तुम्हें अपने असली रूप का याद कराने के लिए। नहीं तो भगवान को और यहां आने की आवश्यकता नहीं, संत को भी पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे इस सृष्टि चक्र से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, जन्म मरण के दुख से बचाने के लिए परमात्मा खुद आते हैं और समय समय पर सद्गुरुओं का अवतरण होता है ताकि दुख से बचाए। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हो, कैसे तुम रहे वहां? अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, कपड़ों की चुनाव हो रहा है, गर्म कैसे हमको मिले, ऐसा क्यों मिला है, पत्नी ऐसी क्यों मिले, ये सब साइंस है, सब विज्ञान है, सब मैथमेटिकली आपको जानने को मिलेगा। कोई यहां अंधविश्वास की बात नहीं होगी। तो याद रखो, वो जो पहले कर्म किया था उसको फल भोगने के लिए हमें वर्तमान शरीर में आना पड़ा। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों का कष्ट भोगा, वहां तुम्हें काटा गया और अब तुम उन्हें काट रहे हो, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? वो तुम्हें क्या करेंगे? वही जे परी बुनी वे सही परी काटी दे। अब और आगे विचारो, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीव हैं। कितने? 10 लाख। और तुम जितने बैठे हो, एक भी ऐसा नहीं जो चड़ी पारा चील सुआ कबूतर न बना हो, तुम ऐसे एक भी ऐसा नहीं। सब उस 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीवों की योनियों में गए हो और वहां का कष्ट भोगा है, सर्दी गर्मी वर्षा, कोई मकान नहीं रहने को, झाड़ के ऊपर पेड़ पे वृक्ष पर छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें भी किसी दुष्ट ने एक लकड़ी को वी शेप की लकड़ी में एक रबर का फीता ऐसा बांध लिया और पत्थर खींचा और आपको नीचे गिरा दिया। तड़प तड़प पे आप छटपट होते रहे और फिर क्या किया उसने, तुम्हारा पंखों को तोड़कर फेंक दिया। जैसे मक्का के भुट्टे के छिलके तुम फेंक देते हो और उस भुट्टे को आग में पकाकर या पानी में उबालकर, ऐसे ही तुमको उसने पंखों को तोड़ा और आग में या तेल की कढ़ाई में डालकर और पकाकर तुमको खाया है। वो दर्द सहो, सोचो अभी कैसा लगेगा, हाथ पे गरम तेल गिर जाए, गरम पानी गिर जाए, जीभ के ऊपर गरम गरम चाय लग जाए, कैसा कष्ट होता है। तुमको जिंदा को इसी प्रकार काटा गया और मारा गया, पकाया गया, खाया गया, 10 लाख प्रकार के। और कई लोगों ने जो अपने को धार्मिक मानते हैं, पिंजड़े में बंद करके रखा और वहां थोड़ी चने की दाल टमाटर मिर्च लंका रख दिया, थोड़ा भात, तुम सोचते हो कितना बड़ा पुण्य,
अरे अगले जन्म में हिजड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि उस पक्षी को पति पत्नी के संबंध से वंचित कर दिया। एक पक्षी को पिंजड़े में रख लिया, अगर वो महिला या फीमेल है तो मेल से नहीं मिल पाएगी, और वो मेल है तो फीमेल से, और वो और संतान पैदा नहीं कर पाई। आपके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर लेते हो, तीसरी शादी कर लियो, मेरा परिवार, उसको भी तो, जिसको पिंजड़े में बंद किया है उसको भी तो अपने परिवार बढ़ाने की इच्छा है, वो भी तो चाहता है, चाहती है कि मेरी संतान हो, पर तुमने उसको वंचित कर दिया अपने संसारिक परिवार बढ़ाने से या सेक्स संबंध करने से। कई दुष्ट लोग तो पंख काट देते हैं कि उड़ ना जाए, पिंजरे में बंद किया। सोचो तुम्हारे बच्चे को या तुमको आजीवन कारावास दे दिया जाए, सारा खाने को दिया जाए, अच्छा से अच्छा, किंतु जीवन भर के लिए कैद जेल खाने में रखा जाए, पसंद करोगे? अरे कमाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें मिल जाएगी पेट भरने को, पसंद करोगे? तुम चाहते हो हम रूखा खा लेंगे, फटा पहन लेंगे, लेकिन जेल में नहीं जाएंगे। तो तुम जैसे स्वतंत्रता चाहते हो, औरों के जीवन को बंधन में मत डालो, उनके जीवन को कारागृह में मत डालो। वो कष्ट तुमने भोगा है, आगे चलो। 11 लाख प्रकार के जीव जमीन के अंदर रहते हैं, 11 लाख प्रकार के, एक भी यहां ऐसा नहीं जो सांप, अजगर, नेवला, मूसा, मेंढक न बना हो, एक भी ऐसा नहीं। तुम सब जितने बैठे हो, कैसे छोटे से जगह में रहते थे, ना वहां प्रकाश ना ऑक्सीजन पर्याप्त है, और जीवन व्यतीत किया, रात्रि को कभी निकलते थे और दिन में निकले तो तुम लोग अभी मारो मारो मारो। ये लताएं, ये पौधे, ये वृक्ष, ये वनस्पति, ये अन्न, ये औषधियां, सब योनिया है, योनिया है। वृक्ष भी, पौधे भी, और उनमें तुम भी सब गए हो। कोई ऐसा नहीं जो तुलसी का पौधा ना बना हो, पीपल का वृक्ष ना बना हो, वट वृक्ष ना बना हो, आंवले का वृक्ष ना बना हो, कि नीम का, बबूल का वृक्ष ना बना हो। इस प्रकार 20 लाख प्रकार के ये भी योनियां है। आप पौधे कहीं तो कहते हो तुलसी का पौधा है, वो पौधा है तो फिर पूजा क्यों करते हो, उसकी परिक्रमा क्यों करते हो, अगर पौधा ही मात्र होता तो? और उसको माता क्यों कहते हो, तुलसी माता? वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हो अगर वो मात्र वट वृक्ष ही है? पीपल की क्यों पूजा करते हो अगर वो केवल वृक्ष है? आंवल की पूजा क्यों करते हो अगर वो वृक्ष है? वहां पर भी देवताओं का वास माना है, उसके आसपास परिक्रमा करते हो, अपनी मन की कामना उसके आगे रखते हो। तो ये योनियां हैं, और तुम इस योनियों में गए हो। कैसे रात दिन, सर्दी गर्मी वर्षा में ये वृक्ष एक पैर से खड़े और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर जिसकी मर्जी आई कुठार से चीर दिया, आरा मशीन पर लाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अपने कामना के अनुसार उपयोगी वस्तुएं बना ली और आग में जला दिया तुमको। पर तुम इस बात को अभी मानने को तैयार न हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई, तुम्हारी बुद्धि बस इसी में सीमित हो गई है। पर शास्त्र दृष्टि से विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा, आकर 484 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह कौन जो इस शरीर में बैठा है सबके अंदर, यह, और ये कैसा है, ईश्वर का पुत्र भी है, और फिर भी 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। तो यह आपको 20 लाख की बात बताइए, और आगे चलो 30 लाख प्रकार के चार टांगों से चलने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ जो कुत्ता न बना हो, हाथी घोड़ा न बना हो, बंदर भालू न बना हो, बिल्ली न बना हो, कोई सुअर घुसरी न बना हो, जितने तुम बैठे हो एक भी ऐसा नहीं जो कि इस योनि में न गया हो, क्योंकि वो परमात्मा का नियम है, कुदरत का कानून है, उसको हर योनियों में से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर बंबई ट्रेन जाती है, दिल्ली यहां से ट्रेन जाती है, या और कहीं मद्रास, तो हर स्टेशन से गुजर के जाती है, कोई स्टेशन छोड़ नहीं सकती,
छोटा से छोटा स्टेशन हो कि बड़ा से बड़ा हो कि जंक्शन हो, हर स्टेशन के वहाँ से गुजर के निकलती है। तो ये 84 लाख की जो ट्रेन है आपकी, ये हर योनि से गुजरती जाती है। तो विचारो कि चार टांगों से चलने वाले तुम पशु भी बने हो, तुम पे बोझा लादा गया गाड़ी में जोत कर, सीमेंट लोहा लकड़ी पत्थर ईंटा, और मारा तेजी से तुमको चलाना पड़ा। जब तुम गिर गए तो तुम्हारी लांज पकड़ के फिर तुम्हें उठाया गया, और जब तुम पशु थे गाड़ी में जोते गए, आंखों से अश्रु गिर रहे थे तुम्हारे, तुम भूल गए हो, मुख से झाग निकल रहा था, नीचे से परिसरा बह रहा था, पीछे से तुम्हारा वो मल निकल रहा था, और मार खाकर गर्दने घाव हो गया था, रक्त निकलने लगा। ये कष्ट तुमने भोगा है, पर याद नहीं है, परमात्मा ने तुम्हें ये जीवन इसलिए दिया कि ताकि फिर से तुम्हें उस 84 का चक्र और न काटना पड़े, और याद कराने के लिए संत और भगवान पृथ्वी पर आते हैं ताकि तुम अपना सीधा मार्ग समझ सको, चल सको। और जितने बैठे हो, अभी तुम्हें नफरत है सुवर्णी से, कुतिया से, छूना जाए अपवित्र मानते हो, लेकिन जब तुम घुसरी बने, कुत्ते बने, तो तुमने समाज का मल खाया है। अभी तो दाल भात खा के बैठ रहे हो ना, और कुतिया को मल खाते देखते हो, घुसरी को, तो कैसा तुम्हारी आंखें मुंह सिकुड़ जाती है। पर तुमने खुद ने इस समाज का मल खाया है। जब उस योनि में थे, कुत्ते योनि में थे, तब तुम्हें कौन हलवा पूड़ी खिलाने वाला था? घुसरी योनि में तुम्हें कौन दाल भात खिलाने वाला था? घुसरी योनि में तो वही मूल मल ही खाने को मिलेगा, कुत्ते योनि में तो वही मिलेगा, गाय बने तो आपको घास ही मिलेगा, छेली बने तो आपको पत्ता ही मिलेगा, हथनी बने ऊंट बने, क्योंकि उस जिस योनि में गए उस योनि का तुमने भोग भोगा है। ऐसी कोई योनि नहीं बची जिसके स्तनों का पान न किया हो। अभी तो आप अपने स्त्री का पत्नी का माँ का स्तन का पान किया है, लेकिन जब तुम हम कुतिया के पेट से निकले, घूसरी के पेट से निकले, माकड़ी के पेट से निकले, बंदरिया के पेट से निकले, तो फिर खाने को उन्हीं स्तनों का पान करना पड़ा। तो ऐसे कोई योनि नहीं जिसका स्तन का पान न किया हो इस जीवात्मा ने। तो ये जीवात्मा कितने कष्टों के बाद में ये देव दुर्लभ योनि प्राप्त कर रहा है, इसकी इशारा में आपको समझाया जा रहा है। और इस चार टांग के पशुओं से निकलकर फिर ये देव दुर्लभ जो देवता योनि मानी जाती है वो उस योनियों में पहुंचा। 4 लाख प्रकार के दो टांगों से चलने वाले हैं, यक्ष किन्नर राक्षस भूत प्रेत ये चांडाल ये सब जो हैं देवी देवता, ये 4 लाख प्रकार के हैं, और उनमें से भोगते भोगते और ये शरीर मिला है वर्तमान। अब अपनी जगह पर आए हो लौट कर, अभी तक आप इस शरीर से पहले जो जो शरीर भोगे थे उसका एक आपको संक्षिप्त स्मरण कराया, और जब गर्भ में आए, अब उधर का विचार करो, जब गर्भ में आए, धन्यवाद है परमात्मा को, धन्यवाद दो जो तुम पूरे के पूरे गर्भ से बाहर आए हो। क्यों? तुम्हारे कई भाई बहन आज आज अभी भी नालियों में बह रहे हैं, तुम्हारे ही भाई बहन नालियों में बह गए और बहते जाएंगे, बहते जा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं स्पष्ट सत्य कहूँगा, पति पत्नी के संबंध से जब भी होगा एक ही बार में गर्भाधान होता है। गर्भाधान के लिए महीनों महीनों वर्ष वर्ष प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती, जब भी संतान पेट में आती है वो एक बार में आती है। और वो पति पत्नी का संबंध तभी रुकता नहीं है, पशुओं का रुक जाता है गर्भाधान होने के दिन से, फिर वे संबंध नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा संबंध तो 6-6 महीने तक चलता है। तो अब ये 6-6 महीने के तक वो जो चल रहा है, तो तुम्हारे शरीर से जो वीर्यपात हो रहा है वो बताओ कहाँ जा रहा है, किस डब्बी में संभाल के रखा, किस बैंक में संभाल कर रखा, वो सब नालियों में जा रहा है।
रोज तुम्हारे भाई बहन नालियों में बह रहे हैं। बड़ा धन्यवाद करो परमात्मा का जो तुम पूरे के पूरे बाहर आ गए। कई तो अब आर्शन करा रहे हैं, कोई 3 महीने का फेंक रहा है, कोई 2 महीने का फेंक कर बैठा है, कोई 5-5 महीने का यहाँ बैठे हैं। ये तुम्हारे भाई बहनों की तुमने या अपने संतानों की क्या अवस्था की है, ये जीवन कैसे मिला है। तो ये मनुष्य जीवन इतना कष्ट भोगने के बाद मिला है। तो जब ये गर्भ में आता है, जब ये 5 महीने का हो जाता है, पहले महीने में तो ये बूंद की तरह होता है, दूसरे महीने में ये अंडाकार हो जाता है, तीसरे महीने में इसके गजा हाथ पैर के निकलने लगते हैं, चौथे महीने में इंद्रियों से संपन्न हो जाता है, और 5वें महीने में यह पूरा का पूरा अंग सहित हो जाता है, 6ठे महीने में इसे भूख प्यास लगती है, सर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। तुम्हारा अब वर्तमान जीवन कैसे मिला है। और वहाँ 7वें महीने में परमात्मा इसे अपने 1000 जन्मों की वो एपिसोड दिखाता है, 1000 जन्मों की, कि इस जन्म के पहले तुमने किस परिवार में रहे, इस जन्म के पहले तुमने कहाँ क्या किया, और वो जिनके लिए तुमने पाप कर्म किया, जिनको खुश करने के लिए वो तो कहाँ कहाँ अपना सुख भोग करके चले गए, और तुम अकेले उस गर्भ में अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हो। जिस जिस परिवार को खुश करने के लिए तुमने जो जो पाप कर्म किए थे वो तो अपना सुख भोग कर चले गए, और तुम उन समस्त पापों का फल अकेले गर्भ में भोग रहे हो। तब भगवान से प्रार्थना करते हो, हे नारायण, हे मुक्तिदाता, मुझे इस रोरो नरक से, गर्भ यंत्रणा से मुक्त कर दो। अब मैं इस झूठे संसार के लिए, झूठे संबंधों के लिए, अब मैं ये देव दुर्लभ योनि की दुर्गति नहीं करूँगा। आप मुझे एक बार मनुष्य शरीर प्रदान कर लो, और उसमें आकर केवल तुम्हारा ही भजन करूँगा, तुम्हारा ही चिंतन करूँगा। गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, और वहाँ परमात्मा माया को आदेश करता है कि इसको गर्भ से बाहर निकालो। और तुम गर्भ से बाहर जो आए हो, उस दृश्य को भी तुम्हें नहीं मालूम है। ये तो फल बहुत छोटा है, नारियल सब जानते हैं, गच्छ पे जो लगा है पेड़, उसको अगर नाक में से निकालना हो, सरल है कि सरल काम है कि कठिन है, बोलो। अरे माँ के गर्भ से निकलकर कैसे आए हो, जैसे नाक के छिद्र से पेड़ को निकाला। माँ के लिए भी मरण अवस्था थी, और बच्चे के लिए भी वो मरण अवस्था थी, दोनों के लिए। भगवान राम कहते, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरते असहनीय वेदना होती है। तो ये देव दुर्लभ योनि कितने कष्ट के बाद प्राप्त किए। कब हुक करी करुणा नर देही, कभी कभी यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये किस लिए दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल मुक्ति पाने के लिए। किससे मुक्ति पाना है, दुखों से छुटकारा पाना है, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए यही योनि है। कुत्ता कैसे छूट पाएगा, गाय घोड़ा कैसे छूट पाएगा, ये सांप बिल्ली हाथी घोड़ा, ये दुख से छूटने का कोई साधन नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इसको विवेक बुद्धि ज्ञान दिया है, इससे यह बंधन से छूट सकता है। ज्ञान भी 2 प्रकार का है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। नोट कर लेंगे, सामान्य ज्ञान जो सब प्राणियों को अपने आप परमात्मा से मिलता है, उसके लिए कहीं कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कहीं जाकर सीखना नहीं पड़ता, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान, इसके लिए तो गुरु के पास जाना पड़ता है। तो सामान्य ज्ञान क्या है, आहार करना, निद्रा करना, भयभीत रहना और बच्चे पैदा करना। ये जो जीवन इतने कष्टों के बाद मिला है, तो अब इसमें हमें अपना कल्याण कैसे करना है, उस संबंध में थोड़ी बात करूंगा। आज ही रात्रि को जितने बैठे हैं, आज ही रात्रि को जब बिस्तर पर सोने जा रहे हो, तो तुम्हारा जो भी शत्रु हो, जो भी पृथ्वी पर शत्रु हो, उससे मन में क्षमा ले लेना, शत्रु भाव मिटा लेना। भले तुम्हारी जमीन का वह
अधिकार करने चाहते हो तुम्हारे मकान पर कि तुम्हारे कारखाने पर। तुम्हारा भाग्य जो परमात्मा ने बनाया है गर्भ में, उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। 9 महीने गर्भ में हमारी किसने रक्षा की थी? कोई संसारी आदमी था, कोई रिश्तेदार था? तो जिसने 9 महीने गर्भ में रक्षा की है, जिसने हमको अभी तक जिंदा रखा है, उसने हमारे मरते तक का हिसाब लिख दिया है। उसको कोई कम नहीं कर सकेगा और कोई ज़्यादा दे नहीं सकेगा। ये विश्वास करो उस परमात्मा पे जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की है, उसने हमारे को बचाया है, तो वो उसके पहले कोई मार नहीं सकता। अगर उसको बचाने की इच्छा ना होती तो गर्भ में ही मर जाते, कोई तुमको जीवन देने वाला नहीं था। तो ऐसे तुमको परमात्मा ने रक्षा की है, तो अपने शत्रुभाव को मिटा देना। अगर तुमने शत्रुभाव नहीं मिटाया और रात्रि को तुम मन में शत्रुता रख कर सो गए और रात्रि को प्राण निकल गए, जितने बैठे हो सुन रहे हो, किसी एक से भी अगर तुम्हारे मन में लड़ाई शत्रुता वैर भाव है, जिसको देखकर तुम्हारा मन विकृत हो जाता है, तुम्हारा पूजा पाठ धर्म चिंतन सब भ्रष्ट हो जाता है और उससे बदले की भावना गिरती है, किसी एक से तो शत्रुता भाव मन में है और प्राण निकल गए, अगला जन्म तुमको शत्रु योनि में लेना पड़ेगा। ये नियम है परमात्मा का, ये कुदरत का कानून है। जे परी बुनी बे सही परी काटी बे, तुमको उस योनि में जाना पड़ेगा। तुम्हारा शत्रु अगर कुत्ता बना तो तुमको हाथी घोड़ा नहीं बनने को मिलेगा, तुम्हें भी कुत्ता ही बनना पड़ेगा, क्योंकि बदला तो समान जाति वालों से लिया जा सकता है, विषम जाति वालों से बदला नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार से अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है, ये मानव जीवन मिला है परमात्मा की भक्ति के लिए, तो शत्रुभाव मन से निकाल देना। और अगर शत्रुभाव नहीं निकाला और मर गए तो शत्रु योनि में जाना पड़ेगा। और ये बात को गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से मैं बता रहा हूँ, पढ़कर देखना, नंबर नोट कर लो, हर दिन हर विषय को शास्त्र प्रमाण से बताऊँगा। और फिर दूसरा काम करना, शत्रुभाव से तो मुक्ति ले लिया, दूसरा काम भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु हे नारायण, आज तक तो मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, सबको सताया लूटा धोखा दिया, एक दिन मुझे और दे दो, एक दिन मुझे और दे दो तो मैं कुछ अपने शुभ कर्म कर डालूं, लोक कल्याण के कर्म कर डालूं, परोपकार के कर्म कर डालूं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना कि अगर एक दिन मुझे तू और दे दे, क्योंकि तेरी मर्जी है, रात को भी मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन एक दिन मुझे और चांस दे दे, अभी तक तो कोई शुभ कर्म नहीं किया, एक दिन और दे दे ताकि मैं कुछ लोक कल्याण के कर्म करूं, ये प्रार्थना करना। और अगर तेरी मर्जी है कल का जीवन नहीं देगा तू, आज ही मेरा जीवन का अंत करेगा, तो फिर मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, प्रभु मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, हे प्रभु मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। और रात्रि को ही तुम्हारे प्राण निकल गए तो तुम सीधे परमात्मा के अंदर प्रवेश करोगे। शत्रुभाव का चिंतन करते करते प्राण निकला, शत्रु योनि में जाओगे, गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में पढ़ना। और भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकला तो तुम भगवान के अंदर ही प्रवेश करोगे। प्रतिदिन व्यक्तियों को ये 2 लाभ लेना ही चाहिए, जिसमें कोई अलग से साधन नहीं है। और फिर जब बिस्तर पर तुम्हारी नींद टूट गई तो तुम्हें ख्याल करना है कि रात्रि को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अगर कल का जीवन देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा। अरे भगवान ने तो मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो मैंने जो भगवान से रात्रि को वायदा किया था कि मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, परोपकार के कर्म करूँगा, तो आज मुझे जरूर 1-2 ऐसे काम करना है, क्योंकि भगवान ने मेरी लाज रख ली, मेरा को जीवन दिया। तो लोक कल्याण के कर्म क्या करोगे? चाहे रक्तदान करो, चाहे वृक्षारोपण करो, कि चाहे मरने पर नेत्रदान का विचार करो, या अंधे लंगड़े लूले गरीब विकलांग को, नंगे को रोटी दो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, कुछ भी किसी न किसी तरह भगवान के रूप जानकर तुम सेवा करो, ये तुम्हारा भगवान के साथ तुमने जो वायदा किया था इसको पूरा करो दिन भर में।
तो बिस्तर से उठे तो पहले तो ये विचार किया कि भगवान से मैंने वायदा किया है, आज मुझे वो करना है, और दूसरा सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य की तरफ दृष्टि डालकर। नहीं भी दिखे तो हे सूर्य नारायण, जैसा तेरा प्रकाश सब पर है, तू किसी के पाप कर्म को नहीं देखता, तू किसी के शुभ कर्म को नहीं देखता, तू किसी के ऊंच नीच जाति को नहीं देखता, तू किसी योनि का भेद नहीं कर, तू सबको समान प्रकाश करता है। हे प्रभो, मेरे मन में भी सबके प्रति समान भाव रहे, ऊंच नीच का जाति भेद का कर्म का भेद न करूं, मैं भी सब में वही सिया राम मैं, सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पड़ी। ऐसा मन में सूर्य देवता को देखकर अपने मन में परिवर्तन लाना, यह है तुम्हारे कल्याण का मार्ग। तीर्थों में गए, कितना कल्याण हुआ वो तुमको मालूम है, माला कितनी पूजा कितने किए तो उसका तो क्या फल मिला, लेकिन ये जो आज साधन बता रहा हूँ ये तुम्हारे जीवन में आज ही शांति देगा, कल का जीवन तुम्हारा मंगलमय बनेगा। कि तुम आज अपने को तो जैसा भी देखते हो, पर कल तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तुम भगवान से प्रार्थना करके सोते हो कि अगर कल का दिन मुझे दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, नहीं तो हे प्रभु मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये रोज काम करना है। ये कल भी मैं आपसे पूछूंगा कि दिन भर में तुमने कुछ भगवान से प्रार्थना करके सोए थे और कुछ किया है कि नहीं, तो कल कई पुण्यशाली लोगों के हाथ उठेंगे कि हाँ मैंने कुछ न कुछ लोक कल्याण का कर्म किया है, मैंने लोगों को किसी भी तरह से सुख पहुँचाया है। और जिसने नहीं पहुंचाया उसको आत्मग्लानि पैदा होगी कि आज का मेरा जीवन पशु की तरह गया, पशु की तरह, कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, गधे की तरह, क्यों? कि वो बस अपना ही बस पेट भरना जानते हैं, अपने ही बच्चे बच्चियों का पालन करना जानते हैं, दूसरे के तरफ उनका हाथ नहीं जाता है, बल्कि दूसरे के जेब में से निकाल लाते हैं, छुरी मारकर, गला घोटकर, मिलावट करके, ठगी करके, बेईमानी करके, रिश्वत लेके लूटने का तो धंधा रोज करते हो, घर से निकलकर जाते हो, आज किसको फंसाना है, आज किसकी फाइल को रोकना है, आज किससे हमको कितना कमीशन लेना है, दिन भर यही करते हो, पर इधर से कुछ उधर नहीं होता। तो कल जब तुम दिन भर में कुछ करोगे तो मन में शांति लगेगी, आज मैंने मनुष्य जीवन सार्थक किया है, लोगों को किसी तरह सुख पहुंचाया है। अब परमात्मा के बारे में चर्चा करें, क्योंकि घर जा रहे हैं, क्या पता हमारा भविष्य क्या बनेगा, रात में हमारा जीवन रहेगा कि नहीं, तो आज परमात्मा का अनुभव करके घर जाना है, अकेले घर नहीं जाना है। कैसे अनुभव करेंगे, परमात्मा का रूप कैसा है, इसे पहले समझेंगे तब आप प्रार्थना कर सकेंगे। तो देखें इधर दोनों के बीच में दूरी नहीं है, देख रहे हैं, इधर भगवान कृष्ण खड़े हैं, उधर उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हीं का प्रिय सखा संबंधी शिष्य कह दो और प्रार्थना करता है। अर्जुन किससे प्रार्थना करता है, भगवान श्री कृष्ण से, देख रहे हो, अर्जुन के आंख पर कोई प्रकार की पट्टी बंधी तो नहीं, गांधारी ने तो पट्टी बांधी थी, धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर इन दोनों के बीच में कोई ना दीवार है ना वृक्ष है। जितने गीता पढ़ने वाले जरा एक बार हाथ उठा दो, तो गीता पढ़ने वाले बहुत धार्मिक लोग पुरुषों में, तो सुनो, सारा जीवन हो गया गीता पढ़ते पढ़ते, किंतु केवल न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर, गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़े, केवल अखबार, जैसे तुम्हारे घर में रोज आता है ना पेपर वाला, वो पेपर दे दिया, फट से जाकर और पढ़ने लग गए, नहीं तो लैट्रिन में जाके बैठ गए और पढ़ रहे हो। दिन भर उन खबर से तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन आता है, जवाब दो। पेपर पढ़ा, खबर कागज पढ़ा, पढ़कर तुमने रख दिया और अपने दिन भर काम धंधे पे चले गए, तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में उसका कोई प्रभाव दिखाई पड़ता है, हाँ या ना? बस गीता पढ़ डाली स्नान करने के बाद, रामायण पढ़ डाली,
हनुमान चालीसा पढ़ डाला, भागवत पढ़ डाली और रख दिया, दिन भर के जीवन में किसी को भी उनका कोई संबंध दिखाई पड़ता है? न्यूज़पेपर, खबर कागज, एक बार भी याद आती है कि गीता में मुझे क्या भगवान ने उपदेश दिया और मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, भगवान ने क्या आदेश दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो आम सर पापे भी मोक्षयिष्यामि मा सुच, तू सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। भगवान का उपदेश है अर्जुन को, ये है भगवान की गीता। अब तुम सोचो कि दिन भर तुमने जो भी व्यापार किया, व्यवहार किया, तुम्हारे को वो रामायण, वो गीता, वो भागवत कुछ हेल्प करती है? उसका कोई वचन तुम्हें को अपने व्यवहारिक जीवन में काम आता है? कुछ नहीं आता है। आज समझो इस बात को कि अर्जुन देख रहा है भगवान को और भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभो, क्या मैं आपके अविनाशी रूप का, किस रूप का, इन आँखों से दर्शन कर सकता हूँ? ये अर्जुन पूछ रहा है, जिनसे पूछ रहा है उनकी तरफ दृष्टि भी है, अर्जुन के सामने भगवान हैं, कोई दूरी भी नहीं है। और कहता मैं आपके अविनाशी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, किस रूप का? तो ये जो अर्जुन के सामने है ये कौन सा रूप हुआ? अगर अर्जुन कहता मैं देखना चाहता हूं तो भगवान ने उसकी आंख पर पट्टी भी नहीं बांधी, बीच में कोई दीवार, वृक्ष भी नहीं, आंखें खुली है अर्जुन की कृष्ण की तरफ और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर है और प्रश्न करता है क्या मैं आपके अविनाशी रूप को इन आंखों से देख सकता हूं? अर्जुन की प्रार्थना ही तुम्हें शिक्षा दे देगी अगर बुद्धि होगी कि आंखों से जो दिख रहा वो अविनाशी रूप नहीं है, आंखों से जो दिख रहा वो अविनाशी रूप। अगर ये अविनाशी रूप होता तो अर्जुन अंधा थोड़े ही है, वो तो देख ही रहा है, फिर प्रश्न क्यों कर रहा है, फिर प्रार्थना क्यों कर रहा है? तो ये मालूम पड़ा अर्जुन को, ये बात मालूम पड़ी कि सगुण साकार भगवान के दर्शन से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। सगुण साकार भगवान के दर्शन से किसी का कल्याण नहीं होता है, भगवान का लोक मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है, सालोक्य मुक्ति मिल जाती है, सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मोक्ष यानी कैवल्य निर्वाण नहीं होता है। तो हे प्रभु, मैंने तो वेद उपनिषद से सीखा है कि भगवान के निर्गुण निराकार रूप का ज्ञान जीव को करने से ही कल्याण होगा। अर्जुन कहता है प्रभु तो मैं तो सगुण साकार रूप को तो रोज देखता हूँ लेकिन मेरा इससे उद्धार नहीं होगा, तो मुझे आप अपने अविनाशी रूप के दर्शन कराइए। अविनाशी, अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, तो इसका मतलब है कि ये जो सामने है ये अविनाशी रूप, बोलो। तो अगर यही अविनाशी होता तो देख ही रहा है, पर ये तो तुमने ही सिद्ध कर दिया। बोले जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी का मतलब है कि अष्टमी के दिन इनका क्या हुआ, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी, और जिसकी जन्म और मृत्यु वो कभी परमात्मा हो नहीं सकता। ये गीता में ही कहता है भगवान, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मृत्युश्च, हे अर्जुन जिसका भी जन्म हुआ है उसको कभी परमात्मा मत मानना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका नाश हो जाता है, और जिसका जन्म और नाश होता है वो परमात्मा नहीं, परमात्मा तो अजन्मा अविनाशी होते हैं। गीता के सातवें अध्याय के 25वें श्लोक में, गीता के सातवें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण कहता है नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत, अरे अर्जुन मैं सबके आगे प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाश सर्वस्य सबके आगे, क्यों? मेरा रूप ये है जो सामने खड़ा है, परमात्मा का शुद्ध रूप देखो ये सामने है। इस छेद में से वो सबको देखता है। बुरखे वाली महिला, बुरखे वाली महिला
बुरखा पहनती है, देखा होगा मुस्लिम समाज में, बोहरा समाज में बुरखा, उसके आगे छोटा सा छिद्र है, उसमें से सबको देखती है, सबको देखती है, सारा जीवन देखती है, पर उस बुरखे के अंदर जो है तुम उसको कभी नहीं देख सकते। वो गोरी है कि काली है दिखेगी, वो जवान है कि बूढ़ी है दिखेगी, अरे वो आदमी है कि हिजड़ा है पता लगेगा। परमात्मा इसी प्रकार है, नाहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया, योग माया समावृत। ये दुनिया पागल हो रही है, योग माया में फंसी हुई है, और मैं तो किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूं, योग माया के पीछे मैं खड़ा हूं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण ने कहा, मूढ़ो ये लोग जितने मंदिर माला पूजा करने वाले, मूढ़ो अयम ना भी जानाती, ये मूढ़ लोग मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे मंदिरों में, तीर्थों में, मालाओं में, पूजाओं में। मूढ़ो अयम ना भी जानाती लोको माम अज अव्ययम, अरे मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, और ये मुझे जन्म नहीं मरने वाला। आज रामनवमी है, कल जन्माष्टमी है, आज दुर्गा पूजा है, आज शिवरात्रि है, तो आज गणेश है, ये इसी में फंसे हैं। मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अज अव्ययम। 15 अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन को 10वें श्लोक में फिर कहा है, नाहम प्रकाश मूढ़ो अयम ना भी जानाति, जो अभी कहा वहां भी कहा विमूढ़ा, ये भक्ति करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, भगवान ने कहा विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, मुझे कौन जानेगा, जिसको सदगुरु से ज्ञान चक्षु मिला है वो जान सकता है। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो भगवान की स्पष्ट वचन है। तो जितनों ने हाथ उठाए, गीता पढ़ने वाले न कृष्ण को मानते हैं न गीता को मानते हैं, आपको अपमान लगेगा मेरे शब्दों का, बिल्कुल तुम गीता को भी नहीं मानते न कृष्ण को मानते हो। कृष्ण खुद कहता है कि मैं किसी के आगे प्रकट होता नहीं, इन आंखों से दिखाई, और तुम कहते हो हम तो अभी कृष्ण दर्शन करके मंदिर से आ रहे हैं, हम तो वृंदावन से दर्शन करके आ रहे हैं, हम तो अयोध्या से दर्शन करके आ रहे हैं, किसके दर्शन तुमने किए। कृष्ण कहता है मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूं। ये मंदिर के पुजारी, 5000 के नौकर, ये तुमको दर्शन कराकर माला दे देते हैं, आहा भगवान के गले की माला हमको दे दी पुजारी जी ने, पंडित जी ने। पुजारी और पंडित तुमको भगवान के दर्शन करा सकता है, और अर्जुन कहता है मैं देखना चाहता हूं, भगवान कहते क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव असंभव, कभी नहीं हो सकता, इन आंखों से मेरे अविनाशी रूप को दर्शाया दिखाया नहीं जा सकता। ये भगवान के वचन है कि इन आंखों से मेरा जो अविनाशी रूप है उसको देखा, और तुम जितने बैठे हो हम तो दर्शन करके आ रहे हैं, हम तो दर्शन कर, आज तो जन्माष्टमी बहुत अच्छे दर्शन हो गए, आगे नंबर पे पहुंच गए थे, प्रसाद भी मिल गया, हम तो आज रामनवमी थी एकदम दर्शन करके आ रहे हैं। किसके दर्शन करे, माया के। ये बिजलियों की सजावट हो रही ना गलियों में, इससे क्या धर्म का संबंध है, लेकिन जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश सड़कों पे, पूरी सड़कों पे लाइट लाइट लगा देंगे, चक्र बना देंगे, ये दुनिया किसको देखती है, मूर्ति तो वही है, लेकिन तुम तो माया को देखते हो, माया के पुजारी हो, परमात्मा के नहीं। आज परमात्मा का असली रूप तुमको इशारे में समझाऊंगा कि उसको सुनकर समझकर घर जाना। तो अर्जुन कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं, भगवान ने उत्तर दिया। गीता के पढ़ने वालों, अर्जुन का प्रश्न मैंने बताया है, गीता के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान का उत्तर उसी 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अर्जुन इन आंखों से उस मेरे अविनाशी रूप का यानी सत्य रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझ पर बहुत प्रीति करता हूँ, तेरी बहुत भक्ति है, ददामि दिव्य चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा। कौन सा चक्षु? ये चर्म चक्षु है, ये चर्म चक्षु विकारी है, फूट भी जाएगा, कम भी दिखेगा, अंधा भी हो जाएगा, ये चर्म चक्षु से वो भगवान नहीं देखते हैं, और तुमको जो
तीर्थों में दर्शन कराने ले जाते हैं कि मंदिर में, वो तो तुम चर्म चक्षु से देखते हो। क्यों? वो बनाया हुआ भी मनुष्य का है। वो मूर्ति जिसको तुम देखते हो मनुष्य ने तो बनाई है कि आकाश से उतर के आई है, बोलो? तो मनुष्य जिसे बनाए वो परमात्मा है कि मनुष्य को जिसने बनाया वो परमात्मा है? विचारो बुद्धि से, पढ़े लिखे शिक्षित लोग मूर्ख मत बनो। भगवान मनुष्य को बनाता है कि मनुष्य भगवान को बनाएगा? कौन करेगा? और आज तो गली गली में सड़कों पे बन रहे हैं, कितनी सरस्वती सड़कों पे बन रही है, कितनी दुर्गाएं मिट्टी में वो तैयार किया फरमे में और रंग करके और लाइन लगी है, कीमत चुकाओ और अपनी गाड़ी में बिठा के ले आओ और पूजा शुरू कर दो। बाजार पे सड़कों में रोड के ऊपर देख लोग अपना शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, गंदे आचरण करने वाले, उनके पास वो संचे बने हैं और वो सीमेंट कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें सांचे में ढाला, रंग कर दिया और तुम हम कितने विभोर हो जाते हैं और उनको उठा कर लाकर और पूजा शुरू कर। अरे मनुष्य जो बनाए वो परमात्मा होगा कि मनुष्य को जिसने बनाया वो परमात्मा होगा? पर कहाँ है हमारे पास बुद्धि? तो अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान कहते हैं अर्जुन इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा। अब सोचो, और भगवान के इन शरीर के दर्शन से जो घरों में है, जो मंदिरों में है, जो तीर्थों में है, किसी न किसी मिस्त्री, किसी न किसी शिल्पी का वो बनाया हुआ आकार है, अगर ये ही असली रूप होता और इससे कल्याण हो जाता तो अर्जुन को गीता सुनाना ना पड़ती। गीता पढ़ने वालों फिर से सुनो, अगर इस दर्शन से कल्याण हो जाता तो फिर अर्जुन को गीता सुनाने की जरूरत, वो तो देख ही रहा है, जन्म से उसके साथ संबंध है। तो अर्जुन को जब गीता ज्ञान दिया तब अर्जुन का कल्याण हुआ। नोट करो, बिना ज्ञान के आज तक किसी का कल्याण पृथ्वी पर हुआ नहीं, बिना ज्ञान के। इसलिए वेद कहता है ज्ञानादेव तू केवल्यम, ज्ञानादेव तू केवल्यम, केवल्य की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तो ज्ञान के ही द्वारा होगी। अंधकार का नाश अगर होगा, अंधकार का नाश होगा तो केवल केवल प्रकाश से होगा। प्रकाश को छोड़कर तुम डंडा मारो, ताली बजाओ, ढोल बजाओ, झाड़ू लगाओ, कितनी भी प्रार्थना करो, सब व्यर्थ जाएगी। अंधकार का नाश तो एकमात्र, बोलो, प्रकाश से। इसी प्रकार अज्ञान का नाश तो एकमात्र ज्ञान से होगा। ज्ञानादेव तू केवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, वेद का वचन है कि कोई और साधन से मुक्ति नहीं होगी। तो अर्जुन को भगवान ने फिर दिव्य चक्षु प्राप्त कराया, वो आपको भी यही मिलेगा। अभी तक तो गीता में पढ़ा था कि भगवान ने अर्जुन को दिया, अरे अर्जुन भी तो किसी माँ बाप का बेटा है, वो भी तो दो आंख वाला है, वो भी तो अन्न खाता है, हम भी तो माँ बाप के बेटे हैं, हमारे पास भी तो दो आंख है, अन्न खाते, हमको क्यों नहीं मिल सकता? अर्जुन को मिला है जिस शर्त से, वो शर्त हम पूरी कर देंगे, हमें भी मिल जाएगा। ये कोई असंभव बात मत समझना। अगर परीक्षित को मुक्ति मिला है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? उसने जो पाप किया था उतना पाप तो हमने किया भी नहीं, उसने तो जिंदा संत के गले में और मुर्दा सांप को डाल दिया, कितना बड़ा अपमान, कितना बड़ा अपराध किया और उसको भी मुक्ति प्राप्ति हो गई। तो हम तो बहुत धार्मिक लोग हैं, हम तो किसी के संग ऐसा करते, हमें क्यों नहीं मुक्ति मिल सकती? जरूर मिलेगी, यही मिलेगी, उसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। परंतु श्रद्धावान लपते ज्ञानम, गीता के चौथे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान कहते श्रद्धावान, श्रद्धावान को प्राप्ति होगी। और जिसको अहंकार है, मैं तो बहुत बड़े गुरु का चेला हूँ, मैं तो बहुत वेद शास्त्र जानता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, तो वो अपने अहंकार के पत्थर के नीचे ही दबा रहेगा, उद्धार नहीं होगा। एक छोटा सा बीज, वटवृक्ष का छोटा सा बीज, अगर उचित भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, हवा मिल जाए, तो वट वृक्ष बन जाता, छोटा सा मंजी वट वृक्ष का, और वो वट वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारे में भी चेतन का बीज पड़ा हुआ है, कोई प्रारब्ध जग जाए, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा और तुम्हारी कृपा, मुख्य है तुम्हारी कृपा, आत्म कृपा हो जाए, तो इसी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि का
अनुभव, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो रियलिटी है, वास्तविकता है तुम्हारी, पर तुम भूले हुए हो। इसी के लिए वेद शास्त्र गुरु तुम्हारे स्वरूप का स्मरण कराते हैं। और यही अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति लब्ध्वा, आपके उपदेश से मेरे को अब अपने भूले स्वरूप की याद हो गई। तो एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज उचित भूमि मिल जाने से वट वृक्ष बन जाता है, और नहीं तो पत्थर के नीचे दबकर और नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा भी, अगर इसका प्रारब्ध और गुरु कृपा, आत्म कृपा, ईश्वर कृपा का योग हो गया, तो ये भी अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि का, अयम आत्मा ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, ये असलियत है। बीज में वो वृक्ष छुपा है, बस उचित वातावरण चाहिए। ऐसे जीव में उस सत्य का बीज पड़ा है, उचित वातावरण चाहिए, और ये भी अपने अंदर ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। नहीं तो कुत्ते की मौत मरता आया है और मरता चला जाएगा जब तक अपने आत्मा को नहीं पहचानेगा। तो अब परमात्मा के संबंध में ये जान लो कि परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है बोलो? प्रैक्टिकल दो चार बातें बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो सत्य का प्रवेश हो सके। ये रुमाल आप देख रहे हैं स्थिर है कि हिल रहा है? भाई ये क्यों हिल रहा है बोलो? बहुत ठीक कहा। अब जरा हवा को देखो, वो किस प्रकार से हिल रही है, उसकी गति को देखो, बोलो, दिखाई पड़ा? क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? रुमाल हिलते हुए दिखाई पड़ता है, पर पवन को हिलते हुए चलते हुए देख नहीं पा सको। क्यों? वो शक्ति है, शक्ति का अनुभव हो सकता है, दर्शन नहीं। सेकंड एग्जांपल, ये फलों को देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? और इसे ठीक है, अब इसको देख कर ही बताओ कौन कितना खट्टा मीठा है, देख कर बताओ, बता सकोगे? बता सकोगे? देख कर अनुभव करना होगा, अनुभव करके ही हम जान सकेंगे। देखने से तो फल दिखेंगे, देखने से तो रुमाल दिखा, पर जिसकी शक्ति से ये हिला वो नहीं देख पाए। इन पुष्पों को देख रहे हैं, रंग भी देख रहे हैं, नाम भी पहचानते हैं, लेकिन इसकी गंध को भी आप देख के बता सकते हो? बोलो, अनुभव करना होगा, देखने से पता नहीं लगेगा। ये जो आपके पास आवाज पहुंच रही है, ये किसकी शक्ति से? बिजली, हीटर, कूलर, पंखा, किसकी शक्ति से? बिजली को आपने कभी देखा है? आज तक किसी ने नहीं देखा। बिजली के कार्यों को तो देखते हैं, पर बिजली को आज तक किसी ने, वो शक्ति है, शक्ति का अनुभव हो सकता है और व्यक्ति का दर्शन होता है, व्यक्ति का वस्तु का दर्शन होता है। अब मैं ऐसे एक सज्जन को चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अच्छे यंग हैं, बहादुर है, उठिए आइए। देखो कम से कम 75 केजी तो वजन रखते होंगे, हाँ, और ताकत भी कोई कम नहीं, कोई जीत नहीं सकता। इन दो पत्थरों को आपस में जोड़ना है, देखो आपको जोड़ के दिखाते हैं, पकड़ो वो साथ में, दोनों को ऐसे जोड़ दो बस, पूरी ताकत लगा दो, बचाओ मत। देख रहे हैं, ये शक्ति का प्रभाव बता रहा हूं कि शक्ति को देखा नहीं जा सकता, अनुभव वो भी कर रहे हैं और अनुभव आप भी कर रहे हो, पूरी हिम्मत लगा के, ताकत लगा के, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि देखो स्टेज पे आया और फिर भी मैं इतना छोटा काम नहीं कर पा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, फिर भी देख रहा कि असमर्थ हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो काम छोटा सा था, बस उतर जाओ धीरे से, इधर से चले जाओ,
मिलाने का काम था। तो शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, दर्शन बोलो, परमात्मा व्यक्ति है, वो शक्ति का व्यक्ति की शक्ति है, तो व्यक्ति का दर्शन हो सकता है, देख रहा है पर शांति नहीं। अर्जुन कहता है मुझे शांति नहीं मिल रही है, धर्म के संबंध में मूढ़ हो गया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्य हस्ते शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने को शिष्य बना कर कहता है जिस तरह से मेरा उद्धार हो कल्याण हो आप मुझे उपदेश करिए। अर्जुन कल्याण का उपदेश मांगता है। तो दर्शन से कल्याण का कोई संबंध नहीं है, परमात्मा का तो अनुभव करना होगा, वो व्यक्ति नहीं परमात्मा क्या है। अब आप लोग मेरे साथ में विचार और जगाएंगे, आप अपने इधर देखो, पिता के पिता के पिता उनके पिता का अभी यहां बैठकर ध्यान कर सकेंगे, नहीं समझ पाए, आंखें बंद करके जैसे हम पत्नी को देख लेते हैं, बेटे को देख लेते हैं, गाय को देख लेते हैं आंखें बंद करके मन से, तो आप अपने पिता के पिता के पिता के पिता का अभी अनुभव कर सकेंगे, बोलो क्यों नहीं। हमने उनको एक सुंदर उत्तर मिल गया, तो जिसको देखा है उसका ही ध्यान हो सकता है। तो तुम्हारे गुरुओं ने या तुम जितने बैठे हो दो दो घंटा बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करते हो, किस गधे का ध्यान करते हो, जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसका ध्यान हो सकेगा। और तुम सब ध्यान में लगे हो, और समझो इस बात को, ध्यान इनका नहीं कर पाए, इनका कैमरामैन से फोटो खिंचा सकोगे, पिता के पिता के पिता के पिता का फोटो खिंचा सकोगे कैमरामैन से, वो कहेगा कि लाओ मैं खींच देता हूं सामने, तो तुम कहोगे वो तो चले गए, तो फिर फोटो खींच सकेगा, मैं खींच सकता हूं, क्यों मैं कैसे खींचूंगा, अरे मेरे पास निगेटिव है, क्या है, और निगेटिव होने से 1000 चित्र बन जाएंगे, पक्का है कि नहीं, गलत तो नहीं। अब मैं पूछता हूं तुम भक्तों से, राम की निगेटिव किसके पास है, कृष्ण की निगेटिव किसके पास है, हनुमान की दुर्गा की अम्बा की काली की निगेटिव किसके पास है, और जिसकी निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव प्रिंट कैसे हो गया, जिसकी निगेटिव नहीं उसका पॉजिटिव प्रिंट निकल सकेगा। तो ये सब कल्पना की उपासना चल रही है, ये सब कल्पना के फोटो हैं, किसने देखा है ऐसा रंग है और ऐसा उनका शरीर है और ऐसा श्रृंगार है, जैसा चित्रकार के मन में आ गया, जैसा मूर्तिकार के मन में आ गया, तुम उसी के भगत बन गए, तुम चित्रकार के मन के कल्पना के उपासक हो, परमात्मा का तो एक भी नहीं। किसने देखा है परमात्मा के रूप को जो तुम्हारे घरों में और मंदिरों में आकर खड़े हैं और तुम रोज आराधना उपासना करके और धन्य धन्य हो जाते हो। अगर पृथ्वी पर चित्रकार ना होते तो ये दीवारों पे चित्र होते, पृथ्वी पर अगर मूर्तिकार शिल्पी ना होते तो मंदिरों में कोई मूर्ति होती, तो मंदिरों में मूर्तियां जो है ये तो शिल्पी के मन की कल्पना है, वो जो देख लेता है कोई शिल्पी ये बहुत बढ़िया चट्टान है, इसमें से 2 हनुमान निकालूंगा, 2 एक राम बन जाएगा, इसमें से विष्णु बन जाएगा, वो चट्टान खरीद के लाता है और तोड़ तोड़ के छेनी हथौड़ी मार मार के, तुम्हारा तो उड़ीसा में भुवनेश्वर और पुरी में देख रहे हो, हर मंदिर के बाहर ग्राउंड के अंदर वो पत्थर पड़े हैं, और तुम्हारे इसी रोड के ऊपर भी ये जो पुरी रोड है इस पे भी 2-4 दुकानें हैं जहां पर रोड के ऊपर वे ठाकुर खड़े हैं, कुत्ते जाकर ऊंची टांग करके और रोज अभिषेक करते हैं, अभी तुमको वो सौभाग्य नहीं मिला है, वो रोड पे खड़े हैं, फिर तुम उनको घर में लेकर और फिर सजाकर उपासना करते हो, पर अभी तो कुत्ते लोगों को वो सरल हो गया, तो उनको थोड़ी ऊंची जगह मिल जाती है, वो टांग ऊंची हो जाती है, अभिषेक करके चल जाते हैं। तो ये देखो ये देवताओं की अवस्था, परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, ये भगवान चिल्ला रहा है, और ये गीता पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं पर ये तो अखबार पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर खबर कागज पढ़ते, गीता कहाँ पढ़ते, अगर गीता पढ़ते होते तो फिर किसी जगह दर्शन करने की इच्छा से ना जाते,
कश्मीर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, पृथ्वी की चीजें हैं लेकिन भगवान वहां पर है, ये भाव मन में ले आए तो तुम अपने ब्रह्म भाव से भ्रष्ट हो गए। वो तो देखने की चीज नहीं है, वो तो दृष्टा है परमात्मा। वो परमात्मा दृश्य नहीं, दो चीजें हैं, दृष्टा जो देखने वाला है, जैसे कि ये दृष्टा है क्योंकि देखता है, और ये सारा जगत दृश्य है, ये दिखाई पड़ता है। परमात्मा को तुम देखना चाहते हो तो देखोगे कैसे? अगर परमात्मा उधर चला जाएगा तो ये तो मुर्दा हो जाएगा। अरे मुर्दा आदमी उठता है, बैठता है, बोलता है, बोलो, आंख तो उसके पास भी है, कान तो उसके पास भी है, हाथ तो उसके पास भी है, देख सकेगा नहीं, क्योंकि चेतन नहीं। तो परमात्मा जड़ का नाम है कि चेतन का नाम? परमात्मा चेतन का नाम है। वो चेतन परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। आज से दृष्टि बदलो, अपने ग्रंथों को बदलो, अपने विचारों को बदलो। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है, और उसका दर्शन नहीं, अनुभव। और वो अनुभव अब आपको मैं कराता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ। और रात्रि को जाकर घर में क्या करना है, वो दो काम बता दिए, शत्रुभाव से मुक्ति लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि कल का जीवन दे दोगे तो मैं लोक कल्याण के, समाज के कुछ काम करूँगा ये। और जब बिस्तर से उठो तो फिर सूर्य देवता से भी शिक्षा लेना कि तेरा प्रकाश जैसे सब पर समान है, ऐसे मेरी आंखों से भी सब में समान भाव, मन से समान भाव रखूं। और दिन भर में कुछ काम अच्छे करना, ताकि कल संध्या को फिर इससे आगे की बात बताऊंगा। प्रतिदिन आपको एक एक सीढ़ी आगे ले जाऊंगा। परमात्मा के प्राप्त करने के, मिलने के तीन दरवाजे हैं, उससे आपको मैं घुसाऊंगा। इस दरवाजे से घुसो परमात्मा ये है, इस दरवाजे से घुसो ये परमात्मा ये है, इस दरवाजे से घुसो। पृथ्वी पर कुल तीन ही रास्ते हैं, तीन ही केंद्र हैं परमात्मा से मिलन के, चौथा दरवाजा, चौथा केंद्र है ही नहीं। आज तक पृथ्वी पर कोई किसी ने पाया नहीं। तीनों केंद्र से आपको परमात्मा से मिलाऊंगा। और जो पहले दिन नहीं मिल पाया, दूसरे दिन मिलेगा, दूसरे दिन भी नहीं मिल पाया, तीसरे दिन मिलेगा, और तीसरे दिन भी नहीं मिला तो फिर उस जीवन में और परमात्मा की आशा छोड़ देना, फिर नहीं, बस वो तीन ही तो केंद्र है। तो अभी आपको परमात्मा से मिलाऊंगा और आप उसके साथ घर जाएंगे। आंखें बंद करना और मैं जैसा कहूंगा आप वैसा दोहराना। एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा उसको तुम पूरा करना, एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा उसे आप पूरा करना। आंखें बंद करो और अपने अपने भगवान का ध्यान करो। सभी बोलना, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं, जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, जब मैं जागती हूँ जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं बोलती हूँ जब मैं खाती हूँ जब मैं पीती हूँ जब मैं सोती हूँ जब मैं जागती हूँ
आंखें खोल लें। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, इन 24 घंटे की कार्यक्रम में, 24 घंटे का कार्यक्रम बताया मैंने आपको, चलने से सोने से फिर जागने तक, कौन सा ऐसा काम है जो तुमने बिना परमात्मा के अकेले किया है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, सबसे मेरा निवेदन है, बताए कोई खड़ा होकर कि ये काम मैंने बिना भगवान के, बिना चेतन के, बिना शक्ति के अकेले चुपचाप कर लिया। कोई बुरा से बुरा काम भी या अच्छा से अच्छा काम कोई बताए कि मैंने उसके बिना अकेले किया। सब लोग विचारों, मंदिर जाने वालों, तीर्थ जाने वालों, चर्च गुरुद्वारा जाने वालों, मस्जिद जाने वालों, गीता रामायण कुरान पुराण पढ़ने वालों, सब विचारो कौन सा ऐसा काम है जो बिना परमात्मा की शक्ति के मैंने अकेले चुपचाप 24 घंटे में कोई एक काम कर लिया है? कोई मालूम पड़ा? तो सब काम जो तुम्हारे शरीर में हो रहे हैं किसकी शक्ति से हो रहे हैं? और तुम ढूंढ रहे हो तीर्थों में, तुम ढूंढ रहे हो मंदिरों में, तुम ढूंढ रहे हो उसे चित्रों में। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए। मृग की नाभि में कस्तूरी है और मृग उसे कहाँ ढूंढता है बोलो? तो ये उसका ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान क्यों है? है अंदर और ढूंढ रहा है। ये तो बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको, मृग का अज्ञान कि है अंदर और ढूंढ रहा बाहर। और अब परमात्मा के लिए शास्त्र कहता है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता के 18 अध्याय के 61 श्लोक में कृष्ण कहता है। तो कस्तूरी तो मृग की नाभि में है और वो बाहर ढूंढता तो अज्ञान है, ऐसे प्रभु परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं। कस्तूरी, सब बोलो, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख खोजन जाए। तो परमात्मा कहाँ बैठा है सबके? हनुमान जी का चित्र देख, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, बच्चे पालन, जो भी तुम्हारा संसार का काम होता है 24 घंटे प्रत्येक, उसमें गरीब से धनी से, कि शिक्षित से अशिक्षित से कोई संबंध नहीं, हर प्राणी चाहे वो पशु हो कि पक्षी हो, सबके साथ परमात्मा नित्य विद्यमान है। उसी की शक्ति से आप सब शुभाशुभ अपने कर्म करते हो और उसी परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो। हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो परमात्मा की शक्ति पाकर हमने इतनी विद्या प्राप्त की, इतना खेती, नौकरी, व्यापार, ऑफिस में, दुकान में काम करते हैं उसी की शक्ति से, और उसी को हम ढूंढ रहे हैं मूर्तियों में, चित्रों में, घर के बाहर, मंदिरों में, तीर्थों में। कितना बड़ा उस शक्ति का अपमान करते हो, कितना बड़ा अपमान कि वो घर में बैठा है मेरा प्रभु और उसको ढूंढ रहे हो, इन चित्रों और मूर्तियों को, इनको नमस्कार करते हो। अरे अपने अंदर उस परमात्मा का अनुभव करना है। हम सब लोग ये वस्तु को मैं अगर ऐसे खाऊंगा, ऐसे खा लूंगा तो स्वाद आएगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको? अब तुम्हारे मुख में मैंने एक अंगूर का दाना रख दिया, क्या रख दिया? अभी उसको जल्दी से पिच मत करना, हाँ, अब बताओ खट्टा है कि मीठा है, कैसा लगा? क्यों नहीं लगा? इतना पतला सा, इतना छोटा सा रख दिया, लेकिन जब तक उसके ऊपर का वो लेयर, वो पतला सा छिलका फटेगा नहीं, तब तक जिह्वा से स्वाद का स्पर्श आ गया ना समझ में? परमात्मा ने सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ पे छिलका रखा है। छिलके को क्या बोलते हैं? चोपा। हर वस्तु के, चाहे वो आपका शुगर कैंडी, गन्ना क्यों ना हो, उसके ऊपर भी छिलका है, आम पर भी छिलका, केले पर भी, सब पर छिलका है। और आपको सार वस्तु लेना है तो छिलके को हटाते हैं तभी तो स्वाद आता है ना। तो अब छिलके को हटाया तब सार मिला। तो परमात्मा सारे की असार है, तो सार है तो भीतर है कि बाहर होगा?
और बाहर 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 ये क्या है सब? ये छिलके हैं, दुनिया लटक रही है, भटक रही है, चाहे राम कहो कि कृष्ण कहो कि धनुष कहो वाला कहो कि त्रिशूल वाला कहो, यही तो है सामने रूप खड़ा है कि मैं तो माया के पर्दे के पीछे हूँ। ये पर्दा माया का खड़ा कर लिया और उसके ऊपर अब आपको क्या पता लगेगा कि पीछे जो बैठा है वो बूढ़ा है कि जवान है कि गोरा है कि काला है, कुछ पता नहीं। आपके सामने तो रुमाल है, कभी सफ़ेद, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल। ऐसे ही ये तो सब धनुष वाला, मुरली वाला, त्रिशूल वाला, चार भुजा वाला, ये तो सब ऐसे के ऐसे ही रूप हैं जो पर्दे के ऊपर आ रहे हैं। पर्दे के पीछे परमात्मा है, इसीलिए कहते ये मूढ़ लोग वहाँ तक नहीं विचार पाएंगे, ये तो बाहर ही लटके रहेंगे। तो परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति? तो शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव? तो अब वो परमात्मा जो अनुभव रूप है वो भीतर होगा कि बाहर? असार वस्तु बाहर है कि भीतर? असार वस्तु और सार वस्तु, अभी तक हम कहाँ भटक रहे थे? बाहर असार छिलकों में लटक के बैठे थे। ये छिलकों से कहीं तृप्ति मिलेगी, सार वस्तु को यहाँ अनुभव कराया जाएगा। कल मैं आपको परमात्मा के मिलन का पहला दरवाजा खोलूँगा कि जाओ घुसो, ये परमात्मा से मिलो। कल का दिन और महत्वपूर्ण होगा। और आज रात्रि का जो कार्यक्रम है वो आपको मैंने बता दिया है, उसको जरूर करना। और मैं पूछूंगा कि किस किस ने सोते समय शत्रुभाव से मुक्ति प्राप्त की है और किस किस ने परमात्मा से प्रार्थना की है और किस ने आज दिन भर में कुछ लोक कल्याण के कर्म किए हैं। अगर ये तीन सच्चाई तुम्हारे जीवन में नहीं तो इन पत्थरों को पूजने से, तीर्थों में भटकने से कल्याण नहीं होगा। मैं तो आपको जीवित परमात्मा से मिलाऊंगा और जीवित ही आपको कल्याण का अनुभव कराऊंगा। मरने पर कौन जानता है कौन कहाँ जाएगा, सब धोखा है। जीवित अवस्था में अनुभव करना है। अब सब शांति पाठ करेंगे मेरे साथ, सब बोलेंगे आंखें बंद करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, छाड़ खाई कभी न मनावें, हत्या से प्राप्त वस्तुओं का अपने जीवन में कभी भी प्रयोग न करें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा पुड़िया कभी न खावें, गर्भपात कभी न करें, ज्योतु कभी न लें, किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, किसी की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या न करें, किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, प्रेम दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। सभी अपनी आंखें खोलें। आप लोगों ने मेरी कथा को, मेरे बात को ध्यान से सुना, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
और आपके कल्याण की तीन बातें अभी रास्ते रास्ते सोचते जाना, तीन बातें और समझ लें। उनसे आपका कोई भी संबंध नहीं, जन्म मरण से आपका कोई संबंध नहीं, भूख प्यास से आपका कोई संबंध नहीं, और सुख दुख से भी आपका संबंध किंचित भी नहीं। पर सभी लोग भ्रम में फंसे हैं कि जन्म मरण मेरा है और भूख प्यास मेरी है और सुख दुख मेरा, बिल्कुल नहीं। नोट करने वाले नोट कर लें, जन्म मरण शरीर से संबंध रखता है, तुमसे बिल्कुल संबंध नहीं। जन्म मरण शरीर का है, तुम्हारा नहीं। आज से मृत्यु भाई छोड़ दो, आज से मृत्यु का भय छोड़ दो। मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, मार नहीं सकती, शस्त्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल या पवन के द्वारा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चे उपलब्धन्ताप, न शोषति मारुत। गीता के दो अध्याय के 23 श्लोक में भगवान हिम्मत दिलाते हैं, हे बुजदिलो अपने को संभालो, तुम मरने वाले, कटने वाले, जलने वाले, भीगने वाले नहीं हो शरीर, तुम तो दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तो याद रखो, जन्म मरण किसका है? जन्म मरण किसको? नंबर दो में लिखो, भूख प्यास प्राण का है। भूख प्यास तुमसे कोई संबंध नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है किंचित भी। भूख प्यास प्राणों को होता है, भूख प्यास प्राण को होता है। और तीसरी बात है सुख दुख, वो सुख दुख का संबंध भी तुम्हारे से नहीं रखता है। सुख दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता है, सुख दुख तो मन को लगता है। सुख दुख किसको? मन को। फिर से पूछता हूँ, ठीक जवाब देना। जन्म मरण किसको? जन्म मरण किसको? और भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? इन छह बातों को जानने वाले आप छह से अलग हो गए। ये प्रैक्टिकल विषय है, अभी हम इसको देख रहे हैं इससे अलग हैं, इसको देख रहे हैं इससे अलग हैं, इसको देख रहे हैं इससे अलग हैं। कुत्ते को देखते कुत्ते से, तो ऐसे ही भूख प्यास को देखते हैं, चाहे वो अंदर है कि बाहर है, देखते तो हम, तो वो हम उससे अलग है। शरीर को भी आप देखते हो, आप उससे अलग हो। सुख दुख को भी देखते हो, आप अलग हो। छह से अलग, दृष्टा साक्षी आत्मा। जितनी दूर तक जाओगे, साइकिल चलाओगे, पैदल, दृष्टा साक्षी आत्मा हम, दृष्टा साक्षी आत्मा। ऐसा चिंतन करते चलो, क्या तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता, खुद अनुभव करोगे। वो परीक्षित वाली कथा तो पुरानी बात हो गई, तुम्हारे जीवन के अंदर वही घटना घटेगी। तो अपने को सड़क पर, जब भी ऑफिस में, घर में, लेटरिन में, बाथरूम में, जहाँ भी समय मिले, यही चिंतन मन में रखना कि मैं तो ये जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो भूख प्यास वाला मैं नहीं हूँ, सुख दुख वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव। और एक मेरा निवेदन है, अपने कम से कम 10 संबंधियों को, 10 मित्रों को ये बात की खबर जरूर पहुँचाना कि ऐसा अद्भुत, अनुपम, पृथ्वी के ऊपर अद्वितीय, ये शब्द मुझे बोलना पड़ते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो ये विवेक नहीं होगा। पृथ्वी पर अनुभव अद्वितीय, यह ऐसा शिविर चल रहा है, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख ईसाई सब आए, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण की बात है। यहाँ कोई हिंदू से, ब्राह्मण से, कोई जाति से संबंध नहीं। तो बहुत पछताएंगे वे लोग जो कहेंगे, अरे मैंने पिता को नहीं बताया, मेरी माँ को लाना था, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को लाना था, ये तो सबके लिए अच्छा है। तो सब अपने अपने कम से कम 10 लोगों को ये खबर दें, और ठीक समय पर आकर क्रम से लाइन से बैठ जाएं। आज पहला दिन था इसलिए कुछ देरी हो गई, कल से ठीक 6:30 बजे शिविर चालू होगा, और कल भी परमात्मा के मिलने का पहला द्वार खुलेगा और आप उससे मिलेंगे। अब सबसे मैं विदा लेता हूँ। मन में वही चिंतन रहे, दृष्टा साक्षी आत्मा हम, यही मन मन में जाप करो, दृष्टा साक्षी आत्मा हम।